नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं इंडिया.com। आज हम बात करेंगे ऐसे मुद्दे पर जिस पर पिछले कुछ समय से काफी विवाद चल रहा है। यह विवाद है एंड टू एंड इंक्रिप्शन को लेकर व्हाट्सएप और भारत सरकार के बीच। एक तरफ सरकार है जो व्हाट्सएप पर आईटी रूल्स 2021 के तहत एंड टू एंड इंक्रिप्शन को बाईपास करके मैसेज ओरिजिनेटर का पता लगाने का दबाव बना रही है। वहीं दूसरी ओर व्हाट्सएप इसको लेकर स्पष्ट है कि वह इसको खत्म नहीं कर सकता, चाहे इसके लिए उसे अपनी सेवाएं भारत में बंद ही क्यों ना करनी पड़े। तो आइए पहले समझते हैं एंड टू एंड इंक्रिप्शन क्या है। आपको बता दें कि यह एक व्हाट्सएप का सिक्योरिटी फीचर है जिसके कारण व्हाट्सएप पर होने वाली बातचीत पूरी तरह से निजी और गोपनीय रहती है। इसी एंड टू एंड इंक्रिप्शन के कारण ना तो व्हाट्सएप और ना ही कोई तीसरा पक्ष आपके मैसेजेस को पढ़ सकता है। आप और आपका दोस्त जो भी एक दूसरे को मैसेज करते हैं वह सिर्फ आप दोनों के बीच रहता है। इसकी तकनीक को यदि सरल भाषा में समझें तो आप व्हाट्सएप पर जो भी मैसेज करते हैं वो इनक्रिप्टेड यानी कि एक कोड के रूप में बदलकर दूसरे यूजर के पास पहुंचता है जिससे आप बात कर रहे होते हैं। उसके पास मैसेज की एक की पहुंचती है जिससे कि आपका मैसेज डिकोड होता है, यानी जिसके पास की होगी सिर्फ वही आपका मैसेज पढ़ सकता है। इस प्रकार बीच में आपका मैसेज कोई नहीं पढ़ सकता। अब जानते हैं कि सरकार क्यों व्हाट्सएप से इसे तोड़ने को कह रही है। हाल ही में सरकार ने कुछ नए आईटी नियम बनाए हैं जिसके तहत व्हाट्सएप को किसी भी मैसेज का ओरिजिनेटर बताना पड़ेगा, यानी कि किसी ग्रुप में शेयर होने वाले मैसेज सबसे पहले किसने भेजा है वह जानकारी व्हाट्सएप को सरकार के साथ साझा करनी पड़ सकती है। सरकार का कहना है कि व्हाट्सएप के जरिए कई गलत कामों को अंजाम दिया जाता है और इस एंड टू एंड इंक्रिप्शन के कारण अपराधियों को पकड़ना मुश्किल होता है। सरकार एक तरफ सुरक्षा और कानून के अनुपालन का तर्क दे रही है, वहीं दूसरी ओर व्हाट्सएप के अपने तर्क हैं। आइए जानते हैं व्हाट्सएप पर इसका क्या पक्ष है। व्हाट्सएप का कहना है कि अगर वह मैसेज का स्रोत बताएगा तो उसे अपनी एंड टू एंड इंक्रिप्शन पॉलिसी तोड़नी पड़ेगी। ऐसा करने से यूजर्स की प्राइवेसी का उल्लंघन होगा जो उनके मौलिक अधिकारों का हनन है। व्हाट्सएप का मानना है कि प्राइवेसी बहुत महत्वपूर्ण है और इसका हनन नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने भी 2019 में एक निर्णय दिया था जिसके तहत अब निजता का अधिकार लोगों का मौलिक अधिकार बन चुका है। इसका मतलब है कि सरकार इसका उल्लंघन नहीं कर सकती है। आपको बता दें कि 2019 में आए पुट्टास्वामी निर्णय के बाद अब निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया है। इसका मतलब है कि सरकार के लिए इसका उल्लंघन करना बहुत कठिन होगा। वहीं आपको बता दें कि दुनिया के ज़्यादातर देशों में व्हाट्सएप की एंड टू एंड इंक्रिप्शन सेवा बरकरार है, और यदि इस पर हम विशेषज्ञों की माने तो प्राइवेसी और नेशनल सिक्योरिटी दोनों महत्वपूर्ण हैं। अर्थात हमें एक बीच का रास्ता निकालना होगा जहां यूजर्स की गोपनीयता का सम्मान किया जाए, साथ ही सरकार को भी अपराध से निपटने में मदद मिले। तो अब यह सवाल है कि क्या सरकार कानूनी तौर पर व्हाट्सएप को मजबूर कर सकती है कि वह अपना इंक्रिप्शन तोड़कर मैसेजेस का ओरिजिनेटर बताए। अगर ऐसा होता है तो यह देखना दिलचस्प होगा कि व्हाट्सएप सरकार की बात मानेगा या भारत से अपनी सेवाएं बंद कर देगा।